Assalamualaikum. Good morning, learners. How are you? We have completed 4 chapters, right? Now we are going to start our chapter number 5, that is lines and angles. So we will see the introductory part of lines and angles. What is line? First of all, we will see what is lines. तो lines तो मतलब आपको कैसे समझ में आता है कि line draw करो, form a line. तो सब क्या करते हैं, लाइन बनाने लगते हैं. बट व्हाट इज एग्जैक्टली द लाइन इज, तो हम लोग ने जैसे ही कोई लाइन वर्ड बोलता है तो हमें तुरंत ऐसा दिमाग में आ जाता है कि लाइन मतलब एक स्ट्रेट क्यू बनाना, राइट. सो हियर वी आर ड्रॉइंग लाइन लाइक दिस ओके. सो दीज ऑल आर लाइन्स, बट लाइन्स ऑल्सो आर डिवाइडेड इन टू वेरियस फॉर्म लाइक लाइन सेगमेंट, लाइन इटसेल्फ और अ रे. Okay, so today I will explain you what is a line, which type of line is known as line segment, ray or a particular line. Okay, now line. A line segment has two endpoints. यानी कि जो line segment पहले हम पढ़ रहे हैं line segment के बारे में, तो उसके क्या होते हैं, two endpoints होते हैं. Okay, तो एक का नाम मैं A दे देती हूँ और दूसरे का B. Okay. Has two endpoints. Line segment AB is denoted as AB. ये जो रहता है हम इसको ज्वाइन कर देते हैं. इसके टू एंड पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन उसको ड्रॉ कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट. दिस इज नोन एज लाइन सेगमेंट. ओके, और लाइन सेगमेंट को अगर हमें सिंबॉलिकली डिनोट करना है तो यहाँ पे जो भी नेम है उसको लिखना है और उसके ऊपर ये बार जो साइन रहता है ना, एक्चुअली दिस इज द साइन ऑफ लाइन सेगमेंट. ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे नाम दिया है सी एंड डी, देन व्हाट यू विल राइट सी एंड डी लाइन सेगमेंट का सिंबल. ओके, नाउ अ लाइन. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट लाइन. A line has no endpoints. यानी कि जो line होती है ना उसके कोई भी endpoints नहीं होते. तो अगर मैं यहाँ पे हम लोग ने जैसे कि line का segment देखा तो हम लोग ने A B ऐसे दो endpoints बनाए थे, right? But और फिर इसको join कर दिया था. But यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि line की. Okay? So what we will do? We will draw a line. Okay? This is line. तो ये लाइन क्या है, दोनों तरफ से जितना चाहो उतना आप स्ट्रेच कर सकते हो. ओके, सो उसके कोई एंड पॉइंट्स होते नहीं है. तो ये हमने बात की कि ये चीज, ये जो है दैट इज लाइन, और उसका छोटा सा सेगमेंट, हम जैसे कि साइंस में भी बात करते हैं कि इसका छोटा सा सेगमेंट ले लेना है, तो लाइन का जो सेगमेंट हम लेते हैं छोटा सा पीस उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, जिसके दो एंड्स होते हैं, बट लाइन के एंड्स होते नहीं है, उसको आप जितना चाहो उतना स्ट्रेच कर सकते हो. ओके, सो इसका जो अगर मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट दिए हैं और ये लाइन का नाम मैंने अगर ए बी दे दिया है, तो इसको मैं किस तरह डिनोट करूंगी, लाइन ए बी और ऊपर क्या आएगा, लाइन का सिंबल आएगा. हम लोग ने लाइन सेगमेंट में क्या देखा कि ऐसा सिंबल आ रहा था ओनली बार, दिस इज लाइन सेगमेंट, दिस इज लाइन. ओके, सो आपको पता चल गया कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है. अगर मैंने यहाँ पे अगर नाम दे दिया पी क्यू, तो लाइन पी क्यू कैसे आप डिनोट करोगे, लाइन पी क्यू. गॉट इट. Now ray, we are going to discuss about ray. Okay, a ray has one end point. यानी कि अगर हम ray को draw करते हैं, it is a part of line, but उसका क्या होता है, एक ही end point होता है. तो हम end point को पहले draw कर लेते हैं और बाकी एक side से जितना भी stretch करना है कर सकते. तो ये हुआ ray. This is known as a ray. अगर मैं इसको नाम देती हूँ R S. Okay. यहाँ पे नाम दिया है ए बी. अगर मैं इसको नाम देती हूँ आर एस, तो हम लोग इसको डिनोट कैसे करेंगे, आर एस रे आर एस, उसको बोलना है रे आर एस. ओके, इसका हमने यहाँ पे जैसे कि डेफिनेशन में बोला है कि हैज वन एंड पॉइंट, यानी कि ये जो है ना, दिस इज इट्स एंड पॉइंट, और जो एरो है ना वहां से हम इसको जितना चाहे उतना स्ट्रेच कर सकते. गॉट इट. सो दिस इज नोन एज अ रे. ओके, नाउ
लुक हियर। अगर हम लाइन की बात करें, सो पहले हमने लाइन पढ़ा, तो लाइन का जो सिंबल था इट इज लाइक दिस, सो दिस इज नोन एज अ लाइन। देन वी हैव स्टडी लाइन सेगमेंट, तो ये है लाइन सेगमेंट, ओके। एंड लास्ट वी हैव स्टडी रे, सो दिस इज रे, गॉट इट। वन नाउ एंगल्स। एंगल्स क्या होता है, जब कोई भी लाइंस या लाइन सेगमेंट मीट होते हैं कोई भी एक जगह पे, तो यहां हम ड्रॉ करते हैं दिस इज अ लाइन ए बी, ओके। और यहां पे हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, जो भी आपको नाम देना है आप दे सकते हो, ओके, पी क्यू, और वो एक पॉइंट पे यहाँ पे मिलती है, तो उसको भी नाम दे देते कोई भी अल्फाबेटिकली, हियर आई एम गिविंग अ ओ, ओके। तो यहाँ पे क्या बना, व्हेन लाइन सेगमेंट्स और लाइंस मीट एंड एंगल इज फॉर्म्ड, जो ये बनता है ना, ये दीज इज नॉन एन एंगल। और एंगल बनना कब पॉसिबल है, जब कोई लाइन या लाइन सेगमेंट ऐसे एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मीट होती है, ट्रांसफर्स होती है, तब जाके एंगल्स बनते हैं, ओके। सो यहाँ पे नाम दिया है एओबी, बट हम कोई भी नाम ले सकते हैं। अगर हमें ये एंगल के बारे में बात करना है तो ये एंगल का नाम होगा एओक्यू, ओके। तो हम लोग बोलेंगे एंगल एओक्यू, और उसको डिनोट कैसे करना है, एंगल की साइन ये है एंगल ए ओ एंड क्यू, सो ये हुआ ये एंगल का नाम, ओके। अगर यहां पे देना है तो वैसे ही आप बना सकते हो बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू। नेक्स्ट यू कैन राइट बी ओ पी, एंगल बी ओ पी, और यहां से पी ओ ए, यहां पे कितने एंगल फॉर्म हुए, फोर एंगल, ओके। अंडरस्टूड कि एंगल क्या होता है, वेरी गुड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल क्या होता है, ऐसे एंगल जिसका एग्जैक्ट मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, और इसका एंगल वो इस तरह होता है, स्ट्रेट परपेंडिकुलर एक दूसरे के रे होती है, ठीक है। और ये जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज 90 डिग्री, तो ऐसे एंगल जिसका एग्जैक्ट मेजरमेंट 90 डिग्री होता है दैट इज नॉन एज अ राइट एंगल, ओके। एंड देन एक्यूट एंगल, व्हाट इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री जिसका मेजरमेंट हो, यानी कि ये 90 डिग्री है तो एक्यूट एंगल का क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ओके। सो इट विल बी बेस तो स्ट्रेट ही रहने वाला है, वेराई हो सकता है, बट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय द मेजरमेंट, ओके। सो दीज इज 35 डिग्री, ओके। तो ये जो एंगल है वो 90 से क्या है, छोटा है, लेस है, सो दीज विल बी नॉन एज अ एक्यूट एंगल, ओके। नाउ ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कैसे एंगल है, तो बोले कि ये मोर देन 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल से भी बड़ा वाला है, तो ऑब्वियस छोटा है वो ऐसे जाएगा, तो बड़ा है वो कैसे जाएगा, ऐसे आएगा, ओके। सो इट विल बी सम हाउ लाइक दिस, ओके। तो ये कितना है, 105 डिग्री, सो ये ऑब्वियस है कि 90 डिग्री से बड़ा है, सो दिस काइंड ऑफ एंगल इज नॉन एज अ ऑब्ट्यूज एंगल, ओके।